दोस्तों, हमारी नाभि शरीर का सेंटर पॉइंट होती है। जिस तरह से हम अपने चेहरे का, बालों का, आंखों का ख्याल रखते हैं, उसी तरह से नाभि का भी ख्याल रखना बहुत ही आवश्यक है। इसके हेल्दी रहने से आपके पूरे शरीर पर इसका इफेक्ट पड़ता है। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस रात को सोने से पहले नाभि में तेल डालकर सोना है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे नाभि में तेल डालने से शरीर को होने वाले बेहतरीन फायदों के बारे में। साथ ही ये भी जानेंगे कि शरीर के अलग अलग समस्याओं में कौन कौन सा तेल इस्तेमाल करना है। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा, और ये वीडियो जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कर देखिए, है ना। जब आप वीडियो को लाइक करते हो, पसंद करते हो, तो हमारा मोटिवेशन अप होता है। दोस्तों, जब नाभि में कोई खास तेल डालते हैं तो इससे बहुत सारी बीमारियां ठीक होती है। अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग किस्म का ऑयल डाला जाता है। नाभि शरीर का एक बहुत ही छोटा सा अंग है, लेकिन इससे शरीर की हजारों नसें जुड़ी होती है। हमारे शरीर की लगभग 72,000 नाड़ियां ऐसी हैं जो नाभि के साथ जुड़ी है। यह नसें पूरे शरीर को नाभि के साथ जोड़ती है। इस प्रकार नाभि का कनेक्शन पूरे शरीर के साथ होता है, और नाभि में तेल लगाने से पूरे बॉडी के अंदर असर होता है। रात को सोने से पहले नाभि में तेल लगाने से बहुत फायदा मिलता है। इससे शरीर की बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और कोई नुकसान भी नहीं होता। तो चलिए नाभि में तेल डालने के चमत्कारी फायदों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, आज के समय में कब्ज की समस्या हर दूसरे या फिर तीसरे इंसान को है। कब्ज की वजह से बहुत सारी बीमारियां शरीर को लग जाती है, इसलिए कब्ज का इलाज तुरंत किया जाना चाहिए। अगर आप बहुत सारे इलाज करके थक चुके हैं तो आप एक बार नाभि में तेल लगाकर कीजिए। कब्ज से आराम पाने के लिए आपने नाभि में रोजाना 3 से 4 बूंद ऑलिव ऑयल की लगाइए, यानी जैतून के तेल के, जिससे आपकी कब्ज धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। इसके अलावा ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें नींद न आने की प्रॉब्लम रहती है। नींद कम आने की वजह से शरीर का इम्यून सिस्टम ठीक ढंग से काम नहीं करता है, जिससे बीमार होने की संभावना बढ़ जाती है। कम सोने से इसका ब्रेन पर भी बुरा असर पड़ता है। दिमाग ठीक ढंग से काम न करने की वजह से शरीर के सभी सिस्टम ठीक ढंग से काम नहीं करते हैं। अगर आपको भी नींद न आने की समस्या है तो आप हर रोज सोने से पहले नाभि में 3 से 4 बूंद ऑलिव ऑयल की डाल दिए, आपको अच्छी नींद आनी शुरू हो जाएगी। अगर आपको आलसपन रहती है, सुस्ती रहती है, तो इसके लिए सरसों के तेल का इस्तेमाल कीजिएगा। सरसों का तेल इसके लिए सबसे अच्छा होता है। सुस्ती दूर करने के लिए हर रोज नाभि में 3 से 4 बूंद सरसों का तेल डालिए। नाभि में तेल लगाने से लीवर की सभी समस्याएं भी ठीक हो जाती है। लीवर हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। लीवर में किसी भी तरह की खराबी आने से हमारे जीवन और हमारी सेहत के ऊपर बहुत बुरा असर होता है। इसलिए अगर आप अपने लीवर की देखभाल करना चाहते हैं या फिर आप अपने लीवर में किसी खराबी को ठीक करना चाहते हैं, तो हर रोज नाभि में 3 से 4 बूंद ऑलिव ऑयल डालकर सोइए, जिससे आपके लीवर में आई कोई भी खराबी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी और आपका लीवर फिर से सेहतमंद बन जाएगा। वायरल इन्फेक्शन जैसे जुकाम, खांसी, फ्लू, इसका इलाज करने के लिए आप क्या कीजिए, 2 कली लहसुन को सरसों के तेल में डालकर गर्म कर लीजिए। जब लहसुन पूरी तरह से जल जाए, काली पड़ जाए, तब आप गैस को बंद कर दीजिए और ठंडा करने के बाद इस तेल की 3 से 4 बूंद नाभि में लगाइए। इससे आपको वायरल इन्फेक्शन में बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। इससे आपका बंद नाक खुल जाएगा और गले की सूजन ठीक हो जाएगी। अगर आपको जुकाम है, नाक से बहुत ज्यादा पानी बह रहा हो, तो इसके लिए छोटा सा रुई का टुकड़ा लेकर इसे अल्कोहल में भिगोकर अपने नाभि के ऊपर रख लीजिए, इससे भी जुकाम ठीक हो जाता है। अगर आपके जोड़ों में दर्द होता है तो नाभि में तेल लगाने से जोड़ों का दर्द ठीक हो जाता है। बहुत सारे लोगों को 40 की उम्र के बाद घुटनों में दर्द और जोड़ों में दर्द होने लगता है। जोड़ कमजोर हो जाते हैं और उनमें कटकट की आवाज आने लगती है। अगर आपको भी यह समस्या है तो कैस्टर ऑयल की 3 से 4 बूंद यानी अरंड के तेल की नाभि में लगा लीजिए, और ऐसा रेगुलर करने से जोड़ों का दर्द ठीक हो जाती है और जोड़ों से आवाजें आनी बंद हो जाती है। इसके अलावा नाभि में तेल लगाने से हड्डी और मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। एक मजबूत शरीर के लिए मजबूत हड्डियां और मजबूत मांसपेशियों का होना बहुत ही जरूरी होता है। नाभि के ऊपर ऑलिव ऑयल लगाने से आपकी हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत बनेगी। चलिए जानते हैं अगले फायदे के बारे में। दांत के दर्द को दूर करने के लिए लौंग के तेल सबसे अच्छा होता है। तो अगर दांत में दर्द हो रहा हो तो रात में सोने से पहले 2 बूंद लौंग का तेल नाभि में डालकर सोइए, इससे आपके दांतों का दर्द ठीक हो जाएगा। स्किन के ऊपर काली झाइयां देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। काली झाइयों का इलाज करने के लिए नींबू का तेल सबसे अच्छा होता है। हर रात को सोने से पहले नींबू के तेल की 2 से 3 बूंद नाभि में डालिए। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में आपको फर्क महसूस होगा। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर होने से बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, जैसे किडनी खराब होना, हार्ट अटैक होना, स्ट्रोक होना, है ना। अगर आपको ब्लड प्रेशर की समस्या रहती हो तो आपको हर रोज ऑलिव ऑयल की 3 से 4 बूंद अपने नाभि में डालना चाहिए।
जिससे आपका हाई ब्लड प्रेशर धीरे धीरे नॉर्मल होने लग जाएगा। फटी एड़ियों का इलाज भी नाभि में तेल लगाकर कर सकते हैं। इसके लिए पंपकिन ऑयल सबसे अच्छा होता है। फटी एड़ियों का इलाज करने के लिए पंपकिन ऑयल के 3 बूंदे हर रोज नाभि में लगाइए। कुछ ही दिनों में आपको रिजल्ट मिलने लगेगा। इसके अलावा बहुत सारी पेट की समस्याओं का इलाज नाभि में तेल डालकर आप कर सकते हैं, जैसे पेट में अपच, गैस, एसिडिटी, जलन। पेट की समस्याओं को ठीक करने के लिए आप क्या कीजिए, रात को सोने से पहले नाभि में 3 से 4 बूंद कैस्टर ऑयल यानी कि अरंड का तेल लगाकर सो जाइए। इससे पेट की सारी समस्याएं धीरे धीरे ठीक हो जाती है। दोस्तों, बुखार अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि यह किसी और बीमारी के लक्षण हैं। इसलिए आपको बुखार को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बुखार होने पर 3 चम्मच सरसों का तेल, 2 कली लहसुन और थोड़ा सा नमक ले लीजिए और इन तीनों को अच्छी तरह से पीसकर मिला लीजिए। रात को सोने से पहले इसे अपनी नाभि में लगा लीजिए, इससे आपको बुखार में बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। आंखों में मोतियाबिंद का इलाज भी आप नाभि में तेल लगाकर कर सकते हैं। इसके लिए आप कोकोनट ऑयल या फिर कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। रात को सोने से पहले 3 से 4 बूंद नारियल के तेल या फिर कैस्टर ऑयल को नाभि में डालिए और कुछ दिनों के इस्तेमाल से आपको मोतियाबिंद से राहत मिलने लगेगी। कोकोनट ऑयल इस काम के लिए सबसे अच्छा होता है। बच्चे के नाभि में हर रोज 2 से 3 बूंद तेल डालने से बच्चे के विकास को बढ़ावा मिलता है, लेकिन तेल केमिकल फ्री होना चाहिए और रिफाइंड नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जब किसी छोटे बच्चे के पेट में दर्द होता है तो वह रोने लगता है लेकिन बोलकर नहीं बता पाता। ऐसी हालत में थोड़े से पानी में हींग को घोल लीजिए और इसे नाभि के ऊपर और नाभि के आसपास पेट के ऊपर लगा लीजिए। इससे पेट की गैस निकल जाएगी और बच्चे को तुरंत आराम मिल जाएगा। बच्चे का पेट दर्द ठीक हो जाता है। बहुत ही पुराना नुस्खा है। बहुत बार छोटे बच्चों के हाथ में सूजन आ जाता है और बच्चों को कब्ज हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे रोने लगते हैं। ऐसा होने पर कैस्टर ऑयल की 2 बूंद बच्चे के नाभि में डालिए, जिससे आंतों की सूजन कम हो जाएगी। नाभि में तेल डालने से पुरुषों और महिलाओं दोनों की फर्टिलिटी बढ़ती है। अगर आप महिला हैं या फिर पुरुष हैं और अगर आपको कोई अंदरूनी समस्या है तो दवा खाने के साथ साथ आप नारियल तेल की 3 बूंद हर रोज अपनी नाभि में लगाइए। इससे आपकी फर्टिलिटी बढ़ेगी। आंखों के नीचे काले घेरे होने से व्यक्ति बीमार नजर आता है और इससे चेहरे की खूबसूरती भी कम हो जाती है। इस समस्या को दूर करने के लिए रात को सोने से पहले 3 से 4 बूंद ऑलिव ऑयल नाभि में लगाकर सोइए। इससे कुछ ही दिनों में आपके काले घेरे ठीक हो जाएंगे। अगर आप अपने हाथ पैरों को सुंदर बनाना चाहते हैं और अपनी त्वचा को सुंदर रखना चाहते हैं तो आप हर रोज रात को सोने से पहले 3 से 4 बूंद नारियल का तेल अपनी नाभि में लगाइए। इससे आपकी त्वचा सुंदर बन जाएगी। आपके चेहरे के ऊपर पिंपल्स हैं और मुहासे हैं तो इससे छुटकारा पाने के लिए रात को सोने से पहले नीम का तेल 3 बूंद अपनी नाभि में लगाइए। इससे आपके चेहरे के ऊपर से पिंपल्स, किल, मुहासे हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं। अगर आपकी नजर कमजोर है या फिर अपनी नजर को कमजोर होने से बचाना चाहते हैं या फिर आपके आंखों के आसपास झुर्रियां पड़ गई हैं, काले घेरे आ गए हैं, तो आप सरसों के तेल की 3 से 4 बूंद हर रोज अपने नाभि में लगाइए। इससे आपकी आंखों की सेहत में सुधार होगा और आपकी दृष्टि में भी सुधार होगा और आपकी आंखों में पड़ी झुर्रियां भी ठीक हो जाएगी। आंखों की संपूर्ण सेहत के लिए रोज नाभि में सरसों का तेल लगाना चाहिए। बालों में होने वाले डैंड्रफ की समस्या को भी आप नाभि में तेल लगाकर ठीक कर सकते हैं। डैंड्रफ होने से आपके बाल कमजोर हो जाते हैं और रूखे हो जाते हैं। डैंड्रफ का इलाज करने के लिए नारियल के तेल की 3 बूंदें रात को सोने से पहले अपनी नाभि में लगाइए। इससे कुछ ही दिनों में आपकी डैंड्रफ खत्म हो जाएगी। अगर आपके बाल उम्र से पहले सफेद हो रहे हैं तो नाभि में तेल लगाने से आपके बाल दोबारा से हमेशा के लिए काले हो जाएंगे। बालों को काला करने के लिए हर रोज रात को सोने से पहले नारियल का तेल अपनी नाभि में लगाइए। 1-2 महीने में ही आपको रिजल्ट्स देखने को मिलने लग जाएगा। अगर आपके बाल पहले से ही काले हैं लेकिन आप इन्हें सुंदर बनाना चाहते हैं और मजबूत बनाना चाहते हैं तो आप सरसों का तेल इस्तेमाल कीजिएगा। पीरियड्स के समय महिलाओं को बहुत ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ता है। अगर आप भी इसी दौर से गुजर रही हैं तो आप ब्रांडी का इस्तेमाल कर सकती हैं या फिर आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकती हैं। पीरियड्स के दौरान ज्यादा पेन हो रहा हो तो रुई के फोहे में थोड़ी सी ब्रांडी लगाकर नाभि में लगाने से दर्द से आराम मिलेगा। तो दोस्तों, ये है नाभि में तेल लगाने के बेहतरीन फायदे। आज से ही लगाना शुरू कीजिए, उसके फायदे उठाइए। धन्यवाद।